नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को छब कैडेट्स के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल का गणतंत्र दिवस परेड दो कारणों से खास है। पहला, ये 75वां गणतंत्र दिवस होगा और दूसरा, ये देश की नारी शक्ति को समर्पित है। वहीं मोदी ने कहा कि मौजूद कैडेट्स से कि आपकी जनरेशन को जैन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी कहूंगा। आप देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बता दें कि जैन जी 1995 से 2009 के बीच पैदा हुए लोगों को कहा जाता है। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादों और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कल देश ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का बड़ा निर्णय लिया है। युवाओं को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। आज बेटियों के साहस, जज्बे और उनकी उपलब्धियों के गुणगान करने का दिन है। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादों और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। थोड़ी देर पहले आपने जो प्रस्तुति दी, उसमें भी इसी भावना की झलक दिखती है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है।